हेलो दोस्तों, आज हम बिलिंग पहुँचे हैं और बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी है। इधर चलने में भी दिक्कत हो रही है। मैं आपको आगे रास्ता दिखाता हूँ। ये देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है इधर और कोविड भी बढ़ रहा है। कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, बिना मास्क के सब। रिस्की है बाद में फिर, इसलिए हम थोड़ा डिस्टेंस में चल रहे हैं और अभी थोड़ा और देख के हम निकल जाएंगे। ज़्यादा देर इधर रुकेंगे नहीं। ऋषिका चेन्नई से है तो इन्होंने कभी इतना बर्फ़ देखा नहीं है, तो अभी थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा फ्रिज का बर्फ़ देखा है तो थोड़ा सा देख के परेशान हो गई। अभी अभी और ऊपर जाएंगे तो हम लोग अभी पैदल चल रहे हैं और हम बिलिंग से 6 किलोमीटर नीचे उतर गए थे। हमने बाइक उधर पार्क कर दी थी क्योंकि ऊपर रास्ता ख़राब है तो हम जा नहीं पाते। हम लोग अभी 5 किलोमीटर और दूर हैं बिलिंग से, तो आगे का रास्ता और फिसलन भरा है और लोग बहुत जा रहे हैं, भीड़ बहुत है। दोस्तों बिलिंग अभी 3 किलोमीटर और ज़्यादा दूर है। वो आप ऊपर देख सकते हैं टॉप पे, वो बिलिंग दिख रही है। अभी अभी दो लड़कों ने बताया कि ऊपर बर्फ बहुत ज़्यादा है और हमने वैसे कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं कि ऊपर जाके हम सेफ्टी से रहें, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे जाके हम वापस चले जाएंगे। यहाँ से देखिए नीचे नीचे वाले गांव कितने क्लियर और कितना दूर दिख रहे हैं। क्या वो थक गई? नहीं। ओके चलो। वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप भीड़ बिलिंग की तरह खाएंगे तो आपको नीचे से पूछेंगे ना कि आप शेयर कैब ले लो, टैक्सी वगैरह, कि वो आपको ऊपर बिलिंग तक पहुंचाएंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ी दूर जाकर रोक देते हैं ये बोल के कि अब आगे रास्ता स्लिपरी है। तो इन दैट केस आप एक्चुअली वॉक कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ है तो आप नज़ारा एंजॉय करते करते जा सकते हैं। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ ट्रिकिंग टूरिस्ट पॉकेट्स। इनको शायद बर्फ की कारीगरी करना बहुत पसंद है। अभी क्या बना रही हो? क्या बोल रही थी आप? मैं बोल रही हूँ पहाड़ों वाली जगहों पे ना ऐसे कहीं जंप नहीं करना चाहिए, कहीं बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेवर नो कहाँ पे। मैं ऐसे स्नोमैन बनाने के लिए, अच्छा तुमने निकाला ये बर्फ? हाँ, तो उसके नीचे वो लकड़ी थी। जो कलाकारी ये दिखा रही थी उसके रुझान आ गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। साइड हटो, अभी पैर भी बन रहे हैं। ओके ये देखिए। हाँ जी, आर्ट आर्टिस्ट। इस साइड आ जाओ, देखिए। धूप बहुत तेज है तो बर्फ पिघल रही है, अभी पेड़ों पे कम हो गई है बर्फ। तो हमने डिसाइड किया कि आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बादल भी होने वाला है,
बादल हो रहा है और थोड़ी देर इधर बैठ के वापस नीचे चले जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए इधर बैठेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो हम थोड़ी देर इन पहाड़ों का लुत्फ लेते हैं जो सामने बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।